पावर प्ले स्कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर सेकंड। क्या है चैप्टर का नेम? कलर्स अराउंड अस। कलर्स अराउंड अस मींस हमारे चारों ओर रंग। क्या है हमारे चारों ओर कलर्स हैं। उन्हीं कलर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। कलर्स आर ऑल अराउंड अस। कलर्स आर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर रंग है ना। हमारे चारों ओर रंग ही रंग है। आप सभी ने देखा होगा अपने चारों ओर हमें कलर्स ही कलर्स दिखाई देते हैं ना। तो डू यू नो दीज कलर्स? क्या आप उन कलर्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कलर्स के बारे में जानेंगे और उन्हें लर्न भी करेंगे कि हमारे चारों ओर कौन कौन से कलर्स होते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट कलर? व्हाइट। W H I T E, व्हाइट। ये देखो व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर। यस, आप सभी ने अपने चारों ओर देखा होगा व्हाइट कलर को। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा कलर है। ब्लू। कौन सा कलर है ये? ब्लू कलर। B L U E, ब्लू। ब्लू मीन्स नीला। ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। व्हाइट मीन्स सफेद। व्हाइट मीन्स कौन सा कलर होता है? सफेद। एंड ब्लू मीन्स नीला। नेक्स्ट कलर आर ई डी, रेड। रेड मीन्स लाल। ये देखो रेड कलर का फ्लावर दिखाई दे रहे ना आप सभी को। यस, कौन से कलर का फ्लावर है ये? रेड कलर का। आपने भी देखा होगा अपने घर के आसपास रेड कलर का फ्लावर, देखा है ना सभी ने। यस, नेक्स्ट कलर क्या है? वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। येलो मीन्स कौन सा कलर होता है? पीला। वेरी गुड। क्या होता है येलो मीन्स? पीला। ये देखो सन, जो सूरज है, कौन से कलर का होता है ये? येलो कलर का। कौन से कलर का? येलो कलर का। नेक्स्ट जी आर डबल ई एन, ग्रीन। कौन सा कलर है ये? ग्रीन। जो हमारे आसपास सभी ट्री होते हैं, पेड़, कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। आपने देखा होगा अपने चारों ओर जो भी आपको ट्री दिखाई देता है कौन से कलर का होता है? वेरी गुड, ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। बी एल ए सी के, ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला। क्या होता है ब्लैक मीन्स? काला। तो देखो इस गर्ल के हेयर कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के। कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के। इसी तरह से हम कुछ और कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस सी सम मोर कलर्स। कुछ और कलर्स के बारे में हम यहाँ पे लर्न करेंगे। ओके, ये कौन सा कलर है? देखो सभी को दिखाई दे रहे ना, पी आई एन के, पिंक। कौन सा कलर है ये? पिंक कलर। पिंक मीन्स गुलाबी। क्या होता है पिंक मीन्स? गुलाबी। पी आई एन के, पिंक।
पिंक मींस गुलाबी. नेक्स्ट orange, ऑरेंज. ऑरेंज मींस संतरी कलर. आप सभी ने ऑरेंज खाया है ना, तो कौन से कलर का होता है ऑरेंज? ऑरेंज कलर का, संतरी कलर का. नेक्स्ट brown, ब्राउन. कौन सा कलर है ये? ब्राउन. ब्राउन मींस भूरा. ब्राउन मींस भूरा. नेक्स्ट है purple, पर्पल. पर्पल मींस जामुनी. कौन सा होता है पर्पल? मींस जामुनी रंग. आपने सभी कलर्स को लर्न करना है और अपने चारों ओर देखना है कि ये कलर्स आपको दिखाई देते हैं या नहीं. ओके, तो इन्हीं कलर्स से रिलेटेड हम देखते हैं हमारा बुक वर्क क्या है. मेरी हमारी एक्सरसाइज इन्हीं कलर्स के बेस पे, तो हम करते हैं इस एक्सरसाइज को. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है और इन पिक्चर्स के नेम के कुछ लेटर जो है वो मिसिंग है. मिसिंग, तो उन्हीं मिसिंग लेटर्स को हमें यहाँ पे राइट करना है. तो ये देखो, ये रोज का फ्लावर है. किस कलर का है? वेरी गुड, रेड कलर का. और रेड कलर की स्पेलिंग क्या होती है? RED, रेड. तो देखो, ई मिसिंग था ना, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया ई. नेक्स्ट देखते हैं, ये सनफ्लावर कौन से कलर का है? येलो कलर का. कौन से कलर का? येलो कलर का. तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे येलो कलर. YELLOW, येलो. येलो मीन्स पीला. ये देखो क्या है ये? रैबिट. वेरी गुड. कौन सा कलर का है ये? व्हाइट कलर का. व्हाइट कलर की स्पेलिंग क्या होती है? WHITE, व्हाइट. व्हाइट मीन्स सफेद. नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये बादल कौन से कलर के हैं? ब्लू कलर के. कौन से कलर के? ब्लू कलर के. तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं जो लेटर हमारा मिस है. BLUE, ब्लू. ब्लू मीन्स नीला. अब देखो, गर्ल्स के हेयर कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के. कौन से कलर के? ब्लैक कलर के. और ब्लैक कलर की स्पेलिंग क्या होती है? BLACK, ब्लैक. ब्लैक मीन्स काला. ये देखो, ये लीव्स किस कलर के हैं? वेरी गुड, ग्रीन कलर के. कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के. तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ग्रीन. GREEN, ग्रीन. ग्रीन मीन्स कौन सा कलर होता है? हरा. वेरी गुड. कौन सा कलर होता है ग्रीन? मीन्स हरा. नेक्स्ट देखते हम, दिस इज यूज्ड टू पॉइंट टूवर्ड्स थिंग्स दैट आर नियर अस. जो दिस है वो किन थिंग्स के लिए यूज होगा? जो कि हमारे नियर अबाउट हो, जो कि हमारे पास में हो. दिस मीन्स क्या होता है? यह है. तो इसका यूज उन थिंग्स के लिए होता है जो कि हमारे पास में हो. पास की थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं. एंड दैट इज यूज टू पॉइंट टूवर्ड्स डिस्टेंट थिंग्स. और जो दैट है, दैट मीन्स क्या होता है? वह है. दैट का यूज किसके लिए होता है? उन थिंग्स के लिए होता है जो कि हमसे कुछ डिस्टेंस पे हो, कुछ दूरी पे हो.
तो देखिए इन सेंटेंस में हम करेंगे, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस टू आर डन फॉर यू। आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, टू आपको यहाँ पे करके दे रखे हैं। तो देखिए दिस इज अ कैरेट, दिस इज अ कैरेट, यह है एक गाजर है। अब देखिए ये कैरेट था, ये पास में था ना, तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, दिस का यूज किया गया है। इट इज रेड, यह किस कलर का है, रेड, लाल कलर का है ये। तो जो भी थिंग्स पास में हो उसके लिए क्या यूज होगा, दिस का यूज होगा। एंड नेक्स्ट देखिए, दैट इज अ पैरेट, वह क्या है, एक तोता है। तो वह ये कुछ डिस्टेंस पे है, इसके लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, दैट यूज हुआ है। इट इज ग्रीन, यह ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है यह। तो जो भी थिंग्स पास में हो उसके लिए क्या यूज होगा, दिस यूज होगा। और जो भी थिंग्स कुछ डिस्टेंस पे होगी, कुछ दूरी पे होगी, उनके लिए क्या यूज होगा, दैट का यूज होगा। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं, डैश इज अ हॉर्स। देखिए अब ये हॉर्स पास में है या दूरी पे है, पास में है ना, तो जो भी थिंग्स पास में होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दिस राइट करेंगे। यह एक घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। नेक्स्ट देखिए, इट इज डैश, तो यह कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ब्राउन। ब्राउन मीन्स कौन सा रंग होता है, भूरा। तो ये घोड़ा है वो कौन से कलर का है, भूरे रंग का। दिस इज अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है, इट इज ब्राउन, यह भूरा है। डैश इज अ फ्लावर, अब देखिए इस फ्लावर को, ये दूरी पे है ये पास में है, ये फ्लावर क्या है, कुछ दूरी पे है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वेरी गुड, दैट का, इसका यूज करेंगे हम दैट का, क्योंकि क्या है ये कुछ डिस्टेंस पे है, और जो थिंग्स डिस्टेंस पे होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। इट इज डैश, यह कौन से कलर का है, रेड कलर का। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, रेड, यह लाल रंग का है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन ऑरेंज, अब देखिए इस ऑरेंज को, ये पास में है या दूरी पे है, तो ये पास में है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, दिस यूज होगा। बिकॉज दिस किसके लिए यूज होता है, जो भी थिंग्स पास में होती है। इट इज डैश, तो ये कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरी। नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन एलिफेंट, यह क्या है, हाथी है। अब देखिए डैश इज एन एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो पास में है ये दूरी पे है, तो जो एलिफेंट है वो कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ दूरी पे है, तो जो भी थिंग्स डिस्टेंस पे होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, दैट, दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। इट इज डैश, यह कौन से कलर का है, ग्रे कलर का। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ग्रे। तो दिस जो है वो उन थिंग्स के लिए यूज होगा जो पास में हो, और दैट है उनके लिए यूज होगा जो कि कुछ डिस्टेंस पे हो, कुछ दूरी पे हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।